मैन एंड वुमेन, फिटनेस, हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड रियल इंफॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पुशअप्स वर्कआउट मिस्टेक के ऊपर। इस टॉपिक में हम आपको पुशअप्स वर्कआउट मिस्टेक की हर वो बड़ी गलती बताएंगे जो कि अक्सर हर कोई पुशअप लगाते वक्त करता है। फ्रेंड्स, पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो लोग अपना मसल्स का साइज बढ़ाना चाहते हैं या वे लोग जो अपनी बॉडी का फैट कम करना चाहते हैं, वे सभी लोग होम या जिम में पुशअप जरूर लगाते हैं, जिसमें काफी लोग पुशअप वर्कआउट गलत तरीके से करते हैं, जिस कारण उन्हें पुशअप वर्कआउट का सही बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुशअप्स वर्कआउट करने का सही तरीका क्या है और पुशअप्स वर्कआउट करते वक्त किन किन गलतियों से बचें, जिससे कि हम तेजी से पुशअप्स वर्कआउट के बेनिफिट पा सकें। पुशअप्स वर्कआउट मिस्टेक नंबर 1, नॉट कीपिंग ए पल्म राइट। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आपको अपने हैंड यानी हाथ की हथेली शोल्डर के सीध में मीडियम गैप से रखनी है। काफी लोग पुशअप लगाते वक्त अपनी हथेली शोल्डर से आगे रख देते हैं तो कोई पीछे रख देता है, जो कि गलत है। अपनी हथेली को ठीक शोल्डर की सीध में ही रखें। पुशअप वर्कआउट मिस्टेक नंबर 2, पुट एल्बो प्रॉपर्ली। फ्रेंड्स, काफी लड़कों को पुशअप लगाते हुए काफी टाइम हो जाता है, बट वे अपनी एल्बो की पोजीशन सही नहीं रखते हैं, या तो कोई अपनी एल्बो यानी कोहनी को बाहर की ओर निकाल देता है, या फिर कोई अपनी एल्बो अंदर की ओर कर लेता है, जो कि गलत है। आपको अपनी कोहनी ना तो ज्यादा बाहर निकालनी है और ना ही ज्यादा अंदर की ओर करनी है। अपनी कोहनी को नॉर्मल गैप पर रखकर ही पुशअप लगाएं। पुशअप वर्कआउट मिस्टेक नंबर 3, फ्लैट स्पाइन का ना होना। काफी लड़के पुशअप लगाते वक्त ये गलती करते हैं। उनकी स्पाइन पुशअप लगाते वक्त फ्लैट यानी सीधी नहीं रहती है, या तो कोई अपनी बट ऊपर को उठा देता है या फिर कोई अपने बट नीचे को झुका देता है, जिस कारण आपकी स्पाइन सीधी नहीं रह पाती है और आपका पुशअप्स लगाने का फायदा बेकार हो जाता है, और साथ ही आपकी स्पाइन में इंजरीज आने का खतरा भी बना रहता है और आप काफी लंबे टाइम तक इस दर्द के शिकार बने रह सकते हो। तो प्लीज ये गलती ना करें, अपनी स्पाइन सीधी रखकर ही पुशअप लगाएं। पुशअप वर्कआउट मिस्टेक नंबर 4, कीप नेक राइट। फ्रेंड्स, पुशअप लगाते वक्त काफी लड़के अपनी गर्दन को अंदर की ओर कर लेते हैं, जो कि गलत है। ऐसा करने से आपका स्पाइन पोस्चर बिगड़ जाता है और आपको पुशअप लगाने का कम बेनिफिट्स मिलता है, और साथ ही आपकी गर्दन में चनका आने का खतरा बना रहता है। तो इसीलिए आप जब भी पुशअप्स लगाएं तो अपनी गर्दन और निगाह आगे की ओर रखें। पुशअप वर्कआउट मिस्टेक नंबर 5, कीप लेग राइट। फ्रेंड्स, पुशअप लगाते वक्त काफी लड़के अपने पैरों के बीच गैप छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। अगर आप चाहते हैं कि आप सही तरीके से अपनी पुशअप परफॉर्म कर पाएं, तो इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों के पंजों और एड़ियों को मिलाकर रखें। ऐसा करने से आप पूरी पावर यानी ताकत के साथ अपनी पुशअप लगा पाएंगे। पुशअप्स वर्कआउट मिस्टेक नंबर 6, वन हैंड पावर पुशअप। फ्रेंड्स, जो लड़के न्यू यानी बिगिनर्स होते हैं और वे पुशअप लगाते हैं, तो वे अक्सर ये गलती करते हैं कि वे अपने राइट हैंड की ज्यादा पावर, मतलब कि अपने राइट हैंड पर ज्यादा जोर डालकर पुशअप लगाते हैं, तो ये गलत है। ऐसा करने से आपकी चेस्ट कम ज्यादा हो सकती है। तो इसीलिए अब आप जब भी पुशअप लगाएं तो अपने दोनों हैंड्स पर बराबर वेट डालकर तब लगाएं। पुशअप्स वर्कआउट मिस्टेक नंबर 7, हाफ पुशअप। फ्रेंड्स, कुछ लड़के पुशअप लगाते वक्त ये भी गलती करते हैं कि वे पुशअप पूरी ही नहीं लगाते हैं, आधा नीचे जाते ही ऊपर उठ जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। पुशअप लगाते वक्त जितना पॉसिबल हो उतना नीचे तक जाएं और फिर वापस उठ जाएं। ऐसा करते हुए पुशअप लगाएं, बट ध्यान रहे इतना भी मत झुकना कि आप जमीन से टच हो जाएं। पुशअप वर्कआउट मिस्टेक नंबर 8, हाई स्पीड पुशअप। फ्रेंड्स, जो लोग पुशअप लगाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं
वे लोग अक्सर हाई स्पीड से पुशअप लगाते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप ये बात अच्छे से समझ लें, हाई स्पीड यानी तेजी से पुशअप लगाने से सिर्फ आपकी कैलोरी बर्न होगी, फैट घटेगा, मसल्स का साइज नहीं बढ़ेगा। अगर आप चाहते हो कि पुशअप लगाने से आपकी बॉडी की मसल्स बढ़े और फैट भी कम हो, तो आप पुशअप धीरे धीरे अपनी बॉडी की मसल्स पर लोड डालते हुए लगाएं। ऐसा करने से आपको पुशअप लगाने का जबरदस्त बेनिफिट्स यानी फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पुशअप वर्कआउट की ऑल बिग मिस्टेक, जो कि अधिकतर हर एक लड़का करता है। तो आज ही से अपनी इन मिस्टेक को सुधारें और पुशअप्स वर्कआउट का फुल बेनिफिट्स पाएं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलें।